हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिजलिंग स्वेता। और आज है मेरी दीदी की शादी। मेरी खुद की दीदी की नहीं, मेरी जो मौसी की सबसे छोटी बेटी बबली दीदी, उनकी शादी है। और ये रही मेरी हल्दी वाली आउटफिट। हल्दी का फंक्शन जो सुबह था, एकदम सवेरे सवेरे, तो यही मेरी आउटफिट थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वाली रेड ब्लैक वाली आउटफिट मैंने संगीत के लिए कैरी की थी, वो भी उसी दिन था। उसी सेम दिन में ही हल्दी और मेहंदी वाला संगीत वाला फंक्शन था। ये रही मेरी संगीत की आउटफिट। और नेक्स्ट डे को शादी थी, वैसे भी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मेरी एग्ज़ाम चल रही थी। और इसी दिन मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मैं तुरंत ही चली गई फंक्शन अटेंड करने के लिए। और इस आउटफिट को आपने ऑलरेडी देखा होगा, मैंने इससे पहले इसकी बहुत सारी नहीं, एक दो शॉर्ट्स डाली होंगी। तो ये रही मेरी संगीत की आउटफिट। और शादी की आउटफिट की मैंने कोई भी ट्रेडिंग नहीं या फिर कोई वीडियो नहीं बना पाई, बस जो फोटो ली थी उसको ही मैं खिंचा रही हूँ इधर, क्योंकि बिल्कुल भी रात को टाइम नहीं था, मतलब मेकअप करने में और इतना सारा काम में इतना मतलब कम टाइम था कि मैं गेट रेडी विथ मी का कोई वीडियो ही नहीं बना पाई। और ये रही मेरी ड्रेस, जो कि बिल्कुल भी लहंगा नहीं है, वन पीस है, ब्लू कलर का है, मैचिंग ईयरिंग्स भी मैंने डाला हुआ है। और तो ये वेन्यू प्लेस में, मतलब यहाँ पर शादी हो रही थी, वहीं पर मैंने भी कुछ फ़ोटो वोटो उठाई है, जिसको कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डाली है। और ये ब्लू आउटफिट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मस्त था, मैंने पहले पहना हुआ था। ये रही मंडप, डेकोरेशन वाज अमेजिंग, लाइटिंग वाज वेरी नाइस, वेरी गुड, डेकोरेशन एकदम ऑन पॉइंट था, मंडप का डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था। एंड अब हम चलते हैं कुछ खाने के लिए। पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टर से, जहाँ पर बाली प्रॉन की फिंगर, कितनी सारी भेज एज वेल एज नॉन भेज का स्टार्टर था, मतलब अनलिमिटेड था, इतना था कि मैंने तो आधा खा भी नहीं पाई। और ये मक्टेल की जगह पे तो मैं हर वक्त खड़ी रहती थी, कुछ भी खाती थी उसके बाद मुझे मक्टेल की ज़रूरत ही पड़ती थी, कुछ ना कुछ पीने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही थी। और ये मेरी दीदी और दीदी की बहुत ही लवली वाली, बहुत ही अच्छी वाली वीडियो है, जो कि मैं बैठ बैठ के देख रही थी। और ब्लश भी करेगी, बहुत ही अच्छा था। फिर इसके बाद बारी आती है हमारी मेन कोर्स की, जहाँ पे मैंने ये खाई रुमाली रोटी, थोड़ी सी पनीर, थोड़ी सी मशरूम, थोड़ी सी मिक्स वेज, एज वेल एज मेरी फेवरेट मटन। मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खा पाई, मतलब बहुत ही पेट भर गया था। उसके बाद रबड़ी और जलेबी, ये डिज़र्ट मस्त था, एकदम अमेजिंग था। फिर मैंने ली मॉकटेल, स्ट्रॉबेरी मॉकटेल, उसके बाद मेरी फेवरेट आइसक्रीम, उसके बाद तो मैं कम्प्लीटली मॉकटेल की जगह पर ही खड़ी रह गई। ये ब्लू लागून का जो फ्लेवर मस्त था, मैंने ब्लू लागून ही 50 बार पीली शायद वहाँ पर, और वो मस्त था, एकदम अमेजिंग था, रिफ्रेशिंग था। एंड फाइनली ये रही हमारी ब्यूटीफुल ब्राइड, ये रही मेरी दीदी जिनकी शादी हो रही थी। डेकोरेशन, मंडप का डेकोरेशन वाज कम्प्लीटली ऑन पॉइंट, अमेजिंग था। फिर आ गई थी बारात और फिर हो गई थी हमारी जाने की बारी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।